हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वी लॉग। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हैप्पी पूजा एवरीवन। आज है पंचमी और पूजा शुरू हो गई है। आज हमारे यहाँ माता की चौकी हो रही है सोसाइटी में, और मैं जा रही हूँ नीचे दर्शन करने माता रानी के, और सबके साथ थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके आएंगे। कल सुबह भंडारा होगा यहाँ पे, और लकीली इस टाइम हमारे यहाँ सोसाइटी पे जो दुर्गा जी हैं उनकी स्थापना हो रही है, जो पंडाल बना हुआ है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए सब कुछ कवर कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों देखिए मैंने क्या पहना है, मैंने एक शरारा पहना है। थोड़ा वाइडर व्यू दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक पर्पल कलर का शरारा पहना है, जिसमें एक बहुत सुंदर सा बनारसी दुपट्टा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एलिगेंट लग रहा है। और इस शरारा को मैंने क्लब किया है एक ब्यूटीफुल झुमके के साथ। ये गोल्डन झुमके हैं और गोल्डन ही कलर के कड़े हैं, और आई एम रेडी टू गेट सेट एंड गो। चलिए दिखाती हूँ आपके माता की चौकी। मामा भी रेडी हो गई है और मामा भी जा रही है। एक्चुअली बच्चों की तबीयत कुछ ठीक नहीं है थोड़ी, तो दोनों लोग सो रहे हैं, बट मैं और मम्मी थोड़ी देर जाके वहाँ बैठ के आएंगे। तो चलते हैं नीचे। तो हम लोग घर से बस निकल गए हैं, मैं और मामा जा रहे हैं। और देखिए अभी से आवाज़ें आ रही है इतनी सारी। ओह माय गॉड, देखिए जैसे ही दिवाली आने वाली होती है ना, तो ये वाले जो कीड़े ना सब जगह वही दिखने लगते हैं। निकल के जा रहे हैं दोस्तों, सभी लोग तैयार होके जा रहे हैं माता की चौकी में। देखिए आवाज़ें आ रही हैं अभी से। ये देखिए सामने वेस्टर्न कोट है हमारे यहाँ, यहाँ पे सोसाइटी में ही नीचे ना हो रहा है। टेंट लगाया उन्होंने और सुबह से तैयारियाँ चल रही थी यहाँ पे। यहाँ पे मंडली आई हुई है। चप्पल यही उतार लो। हाँ देखिए दोस्तों, सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखने में कुछ ऐसा लग रहा है डेकोरेशन। और बस चप्पल उतार के अंदर चलते हैं, माता रानी के दर्शन करके आते हैं। बस हम लोगों ने दर्शन कर लिए और यहाँ पूजा पाठ हो रही है। जोत भी चल गई है माता रानी की, भजन जोर शोरों से होने वाले हैं। दोस्तों माता रानी की जोत जग गई है, एंड आई एम सो लकी कि मैं दर्शन करके आ गई हूँ। मैं नीचे बहुत देर बैठ नहीं पाई क्योंकि भावित की बहुत तबीयत ख़राब है, उसको बहुत फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, और आ रहा और जा रहा है। हम लोग दो दिन से उसे बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आज आफ्टरनून भी मैं उसे लेके गई थी डेंगू टेस्ट के लिए, पर और लकीली जो डेंगू टेस्ट है वो नेगेटिव था। तो वी आर जस्ट मॉनिटरिंग हिम क्लोजली, क्योंकि उसको बहुत रैशेस भी हो गए हैं बॉडी में, तो पता नहीं चलता है काफ़ी। पर फर्स्ट टाइम में ना डेंगू पकड़ा नहीं जाता है, तो बस उसी का टेक केयर करना है। और आई फील कि मुझे अभी इस समय उसके साथ होना चाहिए, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। इवन पंडाल भी बन गया है, तो पंडाल देखने भी अभी हम नहीं जा पाएंगे। तो बस घर आ गई हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी अभी। दोस्तों कल ना सुबह भंडारा भी होने वाला है, अगर बच्चों की तबीयत ठीक रही तो हम लोग भंडारा खाने जाएंगे। और सुबह ना 10 बजे अंजलि भी है पंडाल में, तो वो अंजलि देकर भी आएंगे। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेक्टर 37D में हमारी सोसाइटी के पास उन्होंने सारा पंडाल का अरेंजमेंट किया है। बहुत हार्ड वर्क सबने किया है, एंड आई वाज सो लकी। मैं इस जो कमेटी है उसकी मेंबर हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट ये वीलॉग में जो बनाऊँ उसमें मैं थोड़ा बहुत दिखाऊँगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारे यहाँ जो पहली बार पंडाल यहाँ बना है वो फेमस हो जाए। बस यही चाहती हूँ मैं, तो कोशिश करके थोड़ा बहुत मैं कवर करूँगी कल एटलीस्ट जब जाऊँगी सुबह अंजलि देने।
और जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसके वीडियोस भी अगर कहीं से मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं क्लब इन करके ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि सब लोगों ने कितना हार्डवर्क डाला है और टू मेक दिस इवेंट वेरी सक्सेसफुल। दोस्तों ये मेरा ब्यूटीफुल सा सिल्क का शरारा आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली मेरी मम्मा का शरारा है। मम्मा का शरारा है ऐसे ही बोलना चाहिए मुझे। आई हैव लॉस्ट अ लिटिल वेट तो आई वॉज एबल टू मैनेज टू गेट इन टू इट। तो मैंने मम्मा को बोला कि मैं ये पहन लेती हूँ एंड इट वॉज़ वेरी इजी टू कैरी। और बच्चों के साथ पता नहीं चलता है, फटाफट उनको उठाना पड़ता है, कभी कुछ काम करना पड़ता है, फटाफट चेंज करना पड़ता है। साड़ी पहनने का मुझे टाइम ही नहीं मिला तो आई मैनेज टू वेयर दिस एंड दिस इज़ लुकिंग सुपर एलिगेंट। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसे हमने मिंत्रा से ख़रीदा था और बहुत अच्छा लग रहा है। आई वॉजेंट इवन एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा लगेगा। इसका एक शॉट मैं ज़रूर डालूंगी आप लोगों के लिए, तो आप देखिएगा इसका लुक बहुत अच्छा आया है। तो मेरा तो फर्स्ट डे पूजा का बन गया इस अमेजिंग से शरारा में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये शरारा कैसा लगा और दिस कलर इज़ जस्ट लवली। ये रहा पंडाल हमारे सोसाइटी का। दोस्तों भाविक की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, हम उसे इमरजेंसी में सुबह 4 बजे हॉस्पिटल लेके गए थे और वापस जब आए तो वी वे वेरी लेट। सुबह हम लोग बारी बारी में शिफ्ट में सो रहे थे एक एक घंटा एंड सुबह सोने गए 7 बजे और भावित की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बहुत रैशेज हो गए हैं और फीवर आ रहा है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ रहा है उसे। और डेंगू का बहुत ज़्यादा खतरा है तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पर लकीली हमारा जो सोसाइटी है उसमें वहाँ पे फर्स्ट टाइम दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और टेंट वेंट लगा हुआ है। तो पंडाल में हम लोग अभी आए हैं, सोच रहे हैं कि अंजलि तो हम नॉट श्योर अभी दे पाएंगे कि नहीं, टाइम पार हो गया है, लेकिन दर्शन करते हैं माता जी का, दर्शन करते हैं पंडाल में और फिर चलते हैं। भंडारा बस ख़त्म ही होने वाला है तो भंडारा खा के बस घर चलेंगे। मनीष भी देखिए रेडी हो गए हैं, आए मेरे साथ, वो शूट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले पंडाल में दुर्गा जी के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद कुछ करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा जो सोसाइटी का मार्केट है दहाब, उसके बिल्कुल सामने यह पंडाल बना हुआ है और बस मैं जा रही हूँ अंदर की तरफ। दिस इज़ द डेकोरेशन, आई मीन दिस इज़ द एंट्रेंस। और स्टॉल्स लगे हुए हैं काफ़ी सारे। दोस्तों स्पोर्ट्स इवेंट भी हो रहा है, बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हो रही है, डांडिया भी हो रहा है और उसके अलावा अवेयरनेस सेशंस बहुत सारे हो रहे हैं। ये बिस्लरी से आए हैं कोई, जो बता रहे हैं कि अगर जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है उसको आप अगर दें उन्हें तो वो कैसे उसमें से टी शर्ट्स या फिर कुछ बना के हमें देंगे वापस। तो दिस इज़ द वे वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट। ऐसे काफ़ी सारे सेशंस, अवेयरनेस सेशंस भी लिए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो बहुत मौका मिलता है कि आके ये सारी चीज़ें देख सकें, पार्टिसिपेट करें और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी पंडाल से तो हम लोग निकल रहे हैं और जाएंगे पहले भंडारा लेंगे, भंडारा में से प्रसाद लेंगे। और सिंस बच्चे घर पे अकेले, मुझे नहीं लगता मैं बैठ के खा पाऊँगी, तो मैं ले के पैक करके और घर चलते हैं और फिर वहीं पे बच्चों को भी भूख के लाएंगे और भंडारा खिलाएंगे। दोस्तों मैं सोसाइटी का यहाँ भंडारा हो रहा है देखिए मेरे पीछे, और यही बस मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी और मैं मनीष आ रहे हैं प्रसाद लेकर आएंगे। दोस्तों धूप बहुत तेज़ है और ये लोग देखें यहीं पर भंडारा बना रहे हैं सब लोग।
और आगे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो चलते हैं, चलिए भंडारा का प्रसाद खाते हैं। हाय दे देना। हेलो कैसे हो भैया? शूट करो ना, तुम आगे चलो ना, शूट करते हुए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ जी, जय माता दी। वो तो है, भंडारे खाना हमारा। चलो यही खड़े हो कि खा लें, बैठ के खा लें? यार देखिए, बैठ सीटिंग अरेंजमेंट सिखा दो क्या की है, सब लोग बैठ के खा, सीटिंग अरेंजमेंट सही है सारी, सब बैठ के खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये रही मेरी थाली, दो दो थाली। दोस्तों हम लोग घर आ गए हैं और देखिए ये भंडारे की प्लेट है मेरी, इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। ये कद्दू एकदम शादियों जैसा कद्दू बना है, एकदम खट्टा मीठा कद्दू है, और आलू की सब्ज़ी है, और ये है सूजी का हलवा, और ये रही पूड़ियाँ, और रायता दिया था उन्होंने। बहुत अच्छा भोग था, बहुत अच्छा प्रसाद लगा। और बस मम्मा के लिए मैं ये लेकर आई हूँ प्लेट, उनको भी दे देती हूँ, वो भी खा लेती हैं। और शाम को आज डांडिया है, तो मैं जाऊँगी तैयार होके, आप लोगों के लिए कवर करूँगी डांडिया और बाकी के इवेंट्स जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अगर मेरे पास उसके वीडियोस होंगे तो ज़रूर ऐड करके आपको दिखाती हूँ। कि आज डांडिया नाइट है, तो मैं जा रही हूँ डांडिया नाइट के लिए, इसलिए रेडी हूँ। और मैंने एक सिंगल पीस पहना है ये, और बहुत ही प्यारी इयररिंग्स पहने हैं, तो जो ट्रेडिशनल घाघरा चोली और उससे थोड़ा हट के मैं रेडी हुई हूँ और जा रही हूँ डांडिया नाइट में। तो चलिए आपको दिखाऊंगी इन डांडिया नाइट्स, और एंजॉय करते हैं ये मोमेंट। मैंने गाड़ी पार्क कर ली है, और एक्चुअली हम लोग वहाँ तक पैदल जा रहे हैं, थोड़ा कृष्णता को मैं लेकर आई हूँ। दोस्तों देखिए ये रहा एंट्रेंस, बस जा रहे हैं हम लोग। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी है, आइसक्रीम वाले भी बैठे हैं। बापरे, ऐसा लग रहा है पक्का वेस्ट बंगाल वाला ही है हिसाब किताब। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द पंडाल। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में स्टॉल्स लगी हुई हैं, एंड राइट साइड में स्टेज परफॉर्मेंस पूरी है, और उसके राइट हैंड साइड में एकदम वहाँ पे पंडाल है। तो एक एक करके सब जगह चलते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे ना, तो लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, ये बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, मसालों के, स्टेशनरी, एंड यहाँ पे सोप्स हैं पिकाको के, हाय, और जीएमडी है ये, यहाँ से लोग मैक्सिमम टॉयज लेते हैं, एंड दिस इज द अचार, होममेड अचार, और हाय, एंड ऑल दी स्टॉल्स, दीज आर ऑल होम मेड थिंग्स, और बेसिक जो ज्वेलरी है ये है यहाँ पे। यहाँ तो सब बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है, यहाँ पे बहुत सुंदर चल रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है।
दोस्तों ये किड्स प्ले एरिया है और प्लस आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं यहाँ पे। और जो पहला वाला स्टॉल है वहाँ पे छोले चावल, छोले भटूरे और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल रहे हैं। और उसका अगला काउंटर मुझे लग रहा है साउथ इंडियन है और यहाँ पे डोसा का और शायद इडली विडली मिल रही है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, नेक्स्ट काउंटर है कानपुरिया चाट, रूबी का काउंटर है ये। तो इन्होंने काफ़ी तरीके की चाट वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, बहुत भीड़ लगी है, प्रॉपर कानपुर की चाट है। हाय रूबी, भले भले करिए रूबी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो है वो डिलीसी बेकर्स हैं और ये बहुत अच्छे स्नैक्स और केक्स बनाती हैं। तो इनका काउंटर है ये, इनका ना मेन्यू में एक बहुत ही स्पेशल डिश है कॉल कुल्हड़ पिज्ज़ा। देखिए ये लोग भी डिलीवर कर रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए कुल्हड़ पिज्ज़ा और ये अभी ये डिलीवर कर रहे हैं, यम्मी पिज्ज़ा लग रहा है ये तो। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे और हाय, इसके आगे चलिए देखते हैं, ये मेरे ख्याल से चाइनीज़ काउंटर है और उसके बाद मोमोज हैं। ये मोमो की जो शॉप है उसका नाम आगे की तरफ होगा, एक बार देख लेते हैं। और ये है, क्या है इसका नाम, यहाँ चीज़ी बेट सुप्रीम मोमो मिल रहे हैं। ये है मोमो कैफ़े, यहाँ पे मोमोज है और यहाँ पे लास्ट में है, अरे अरे वाह ठुमके देखे इनके। लास्ट में हमारी भेलपुरी है और है कच्चा गोला, तो वो तो हम लोग पक्का खाएंगे आज, ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। और सब लोग एकदम जोर शोर से खूब मस्ती में। ये भावित के लिए, I'm going to take one for भावित, amazing। ये बना रहे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना रहे, दिखा दो, देखिए दोस्तों कैसे बना रहे हैं, अमेजिंग। बचपन में स्कूल की याद आ गई मुझे, अपने बेटे को ज़रूर खिलाऊंगी। आई विश उसकी भी तबीयत ठीक होती, वो आता मेरे साथ यहाँ पे तो एंजॉय करता बहुत, आई एम श्योर। बहुत 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 मज़ा आया और मैंने जो खट्टा गोला था वो खाया और भावित के लिए मैं कॉटन कैंडी लेकर आई हूँ और खूब डांस किया, मज़ा आया। और
मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ, वहाँ स्टॉल्स कैसा था, डेकोरेशन कैसा था, दुर्गा माँ की मूर्ति कितनी सुंदर थी और सारी चीज़ें। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल फैबिचा को। मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे, तब तक टेक केयर, बाय बाय। कॉटन कैंडी खाओगे? कॉटन कैंडी कैसे बोलते हैं बाबू? अच्छा रुको, ओपन करके दे रहे हैं।